हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं हूँ वर्षा अग्नी और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ रिगार्डिंग द कोरोना वायरस एंड उसके साइड इफेक्ट। अब कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घर पे हैं, वर्कआउट कर नहीं रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सबके मन में क्या है, एंजाइटी है, फियर है, और वर्कआउट नहीं हो पा रहा है तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनका वेट गेन भी हो रहा है। तो स्लिम डाउन कैसे करोगे, एट द सेम टाइम एंजाइटी और फियर को दूर कैसे भगाओगे, और वो भी सारी चीजें घर पे रहके, क्योंकि जिम्स तो बंद है, आप वॉक पे जा नहीं पा रहे हो, तो और क्या ऑल्टरनेट है? ऑल्टरनेट ये है कि आप घर पे वर्कआउट या घर पे योगा कीजिए। इसीलिए एक छोटा सा प्रोग्राम जो आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट अप टू 31 मार्च तक आप ये करोगे, ये वीडियो मैं मेरे सारे जिम मेंबर्स के लिए एट द सेम टाइम सब्सक्राइबर के लिए लेके आई हूँ। आप ये प्रोग्राम डेली बेसिस पे घर पे 15-20 मिनट्स जरूर कीजिए और फर्क देखिए, आपकी एंजाइटी फियर वो भी कम होगा एंड एट द सेम टाइम आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, या मैं कह सकती हूँ वेट लॉस भी होगा। अगर आप इसे डाइट के साथ करते हो तो डेफिनेटली वेट लॉस भी होगा। शुरू हम करेंगे प्राणायाम से। आपने मेरा प्राणायाम का वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए। शुरू में क्या करना है, आपको करना है आप बैठ जाइए सुखासन या पद्मासन में, फिर आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं उसका वीडियो आप जरूर देखिए। राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, आपको करना क्या है, ये दो उंगलियां नीचे और आपको ये विष्णु मुद्रा। कीप द राइट थंब ऑन राइट नॉस्ट्रिल एंड स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लेफ्ट, देन होल्ड, फिर आपको छोड़ना है, एक्सेल करना है राइट नॉस्ट्रिल से। दिस वे आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, उसका वीडियो आप जरूर देखिए। इसकी आपको करना है मिनिमम 5 मिनट्स तक, कम से कम इसे आप 5 मिनट तक कीजिए, स्लोली स्लोली आप इसे बढ़ा सकते हो। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसकी आपको राउंड्स करने हैं मिनिमम 3 राउंड्स, और इसे कैसे करते हैं इन डिटेल आप मेरा वीडियो जरूर देखिए। दूसरा जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति कैसे करते हैं, प्रॉपरली कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसे भी आप मिनिमम 3 राउंड्स तक कीजिए या तो मिनिमम 5 मिनट्स तक कीजिए। कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम देख लीजिए। ये दोनों भी प्राणायाम आपकी एंजाइटी और फियर को आपको दूर रखेगा, इससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आप मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, तो इट विल इम्प्रूव योर नर्वस सिस्टम। इसीलिए मैं कहती हूँ एंजाइटी और फियर को दूर करने के लिए प्राणायाम जरूर कीजिए। अब आते हैं हम स्ट्रेचिंग पे। घर पे हो, विदाउट इक्विपमेंट करना है, विदाउट मशीनरी करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और असरदार तरीका है सूर्य नमस्कार, यानी कि सन सैल्यूटेशन, और ये बिना इक्विपमेंट के, बिना मशीन के आप घर पे कर सकते हो। और एक ही सूर्य नमस्कार में आप 12 पोजेस करते हो, तो सोचिए सबका एक्सट्रैक्ट एक ही इसमें, एक ही वर्कआउट में सबका एक्सट्रैक्ट आपको एक ही वर्कआउट में मिल रहा है। तो अगर आप बाकी के सारे आसन नहीं कर सकते हो, बाकी का वर्कआउट नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप सब सन सैल्यूटेशन
या सूर्य नमस्कार रोजाना कीजिए, कम से कम 6 राउंड से कीजिए और फिर स्लोली स्लोली इसे बढ़ाइए। आप बढ़ाते बढ़ाते आप 100 के अबव भी कर सकते हो। यस यू कैन डू 100 डेली आप मिनिमम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो स्टार्ट कीजिए 6 राउंड से। कैसे करते हैं सन सैल्यूटेशन, आप मेरा सन सैल्यूटेशन का वीडियो जरूर देखिए। सन सैल्यूटेशन के बाद आपने शवासन में लेट जाना है। फिर उसके बाद आप कीजिए मेडिटेशन। मेडिटेशन करते वक्त माइंड को फोकस कीजिए, काम कीजिए, पीसफुल आपको फील होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, आपने अपने आप के साथ आप सिर्फ 5 मिनट स्पेंड कीजिए। इसके लिए क्या करना है, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए, आईज क्लोज कीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए इन द मिडल ऑफ द आईब्रो विच इज कॉल्ड एज अ टेम्पल, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और कोई भी थॉट मन में मत लाइए। इसे कम से कम 5 मिनट तक कीजिए। दोस्तों इसके साथ आपने लेना है, आपकी ये सारी चीजें जब आप करोगे, ये सारा वर्कआउट आप प्रोग्राम करोगे तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्दी रहना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है। जो लोग हेल्दी है उन्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आपको हेल्दी रहना है। वर्कआउट कीजिए और हेल्दी फूड खाइए, मिलेट्स खाइए, आप खा सकते हो ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड बहुत सारा पानी पीजिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे काम एंड ईट हेल्दी। सो हम लोग एक शॉर्ट रिकैप करते हैं ये प्रोग्राम में आपने करना क्या है। स्टार्ट विद प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर कपालभाति प्राणायाम, दोनों भी आप 5-5 मिनट्स के लिए कीजिए। फिर सन सैल्यूटेशन कीजिए। सन सैल्यूटेशन करते वक्त आप मिनिमम 6 राउंड्स टू मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना, मैं 100 भी रिकमेंड कर सकती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको शवासन में लेट जाना है, फिर उसके बाद आप 5 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए। मिनिमम ये प्रोग्राम आप 15-20 मिनट्स कीजिए और ये आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। योगा से बढ़िया और कोई भी वर्कआउट नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपको काम भी रखेगा, आपको फोकस भी रखेगा, एट द सेम टाइम ये आपको वेट लॉस बेनिफिट भी देगा, इंच लॉस भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सभी लोगों के लिए, इसके लिए आपको कोई भी मशीन या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तो स्टे काम, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस एंड eat healthy।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।